डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास पे। आज है 22 तारीख, आज हुआ है संस्कृत का पेपर, जिसका प्रथम पाली का है हमारे पास, जिसका सेट कोड भी है। तो प्रथम पाली में संस्कृत का परीक्षा हुआ है, तो उसका फटाफट आंसर मिला लीजिए कि कितना आपने सही किया, और जितना भी सही किया आप हमें बता सकते हैं। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन के रूप में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लभाती। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो हम बता रहे हैं 100% सही आंसर है इसका। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वच जोड़ वक्ता से कौन सा शब्द बनेगा? तो वक्ता बनेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनियर। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देख प्रश्न है, लैकिक में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ठक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कालिदास, ध्यान से देखिए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो किस नदी का वर्णन किया है, मंदाकिनी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अब बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सात नंबर प्रश्न है, बूढ़े बाघ बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने के कंगन था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, दानवीर कौन था? तो कर्ण था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो हमेशा अशांति को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलिखित किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी, यहाँ पे लड़। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न है, पचेत किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पच राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, अकुर्वन में कौन सी धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, क्री। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर 14 नंबर प्रश्न है, मतिसु में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का, यहाँ पे सी सप्तमी। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न है, भौती किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भवा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 के, मन जोड़ रथ, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर 17 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, महाजोड़ इस की संधि विच्छेद है महेश की? तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अ ई के मेल से क्या नया वर्ड बनेगा? तो ए बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, यहाँ पे एक गुण, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या आ जाए, सही है। शुरू से अंत तक मिला लीजिए, जितना भी सही है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 100% इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है, राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो चार थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीन। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, 24 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए,
अगला प्रश्न है 25 नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पर, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए पंडित क्षमाराव। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 26 नंबर प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो विवाह का। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, यह नीतीय श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का यहाँ पे बी उद्योग पर्व में संकलित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो राइट आंसर होगा मंत्री विदुर। यहाँ पे बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 का सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, अपृष्टो बभूत बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए नीतीय श्लोक। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाला क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए विद्या। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? तो हमेशा राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर, हमेशा खुश होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सैशव संस्कार कितने होते हैं? तो सैशव संस्कार कितने होते हैं, चार होते हैं। तो यहाँ पे ए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, अंत्योदिष्ट संस्कार कब होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मरने के बाद। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मित्र जोर लत का निष्पत्र रूप है? तो मित्रता। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, तत्र फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान, चरित्र खाली स्थान में उचित वक्त होगा, तो मृग होगा। यहाँ पे 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुजोड़ तुमुनु का निष्पत्र रूप होगा, तो सूत्री होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बृद्ध प्लस उक्त। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है, कौन शब्दावली के में शब्दावली कैसा समाप्त है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एकम एकम इति का समस्त पद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए, एका एक। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए धनहीन। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, चरा चरम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का द्विगु। तो यहाँ पे बी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, दान रथे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए माता रमेश भोजनाए यक्षति। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सहपाद के योग में कौन सी विभक्ति लगी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी तृतीय। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। 46 नंबर प्रश्न है, करमवीर कौन था? तो करमवीर कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47 नंबर, लक्ष्मी किसका वरण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योगी पुरुष के। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्याघ्र पथिका कथा किस ग्रंथ से उदाहरित है? तो हितोपाद। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। यहाँ पे देखिए 49 नंबर, 49 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो संस्कृत। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो हिरमण या पात्र से, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सतमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पाटलिपुत्र किसकी प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। 56 नंबर प्रश्न है, गृहत बहि उधानमति यह रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा पंचमी, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलम यानी मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंचमी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पंचमी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शब्द में परि उपसर्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 58 है, तत्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए, भू धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वाचक रूप में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का भवा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।